हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ब्लॉग्स विद सिमरन सिंह में। और आप सब लोग कैसे हो बताइए। मैं बहुत अच्छी हूँ, ठीक हूँ। और ये ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ मॉर्निंग से, तो गुड मॉर्निंग सभी को। लेकिन अब ये ब्लॉग कब जाएगा ये मुझे नहीं पता है, मॉर्निंग में जाएगा या इवनिंग में जाएगा मैं कुछ नहीं कह सकती। लेकिन ये ब्लॉग मैंने शुरू किया है मॉर्निंग से, इसलिए मैंने आप सबको गुड मॉर्निंग बोल दिया। और मैंने पोहा बनाया है, चाय बन रही है। सुबह की शुरुआत कुछ ऐसे ही होती है सभी के यहाँ पर, नाश्ते के साथ, चाय के साथ, है ना। तो वही सब चल रहा है। और यहाँ पर चाय जब तक उबल रही है, पानी रखा हुआ है। अभी मैंने इसमें दूध ऐड नहीं किया है, अब मैं इसमें कर दूँगी दूध को ऐड। तो मुझे ना कम दूध वाली चाय पसंद है। चाय और पोहा बनके हो गया है रेडी। मैंने इसमें डाल दिया है नमकीन पोहा में थोड़ा सा ऊपर से, अच्छा लगता है, हम लोग इस तरीके से पसंद करते हैं खाना। तो मैं कर लेती हूँ यहाँ पर नाश्ता, और इसके बाद में फिर मैं आपको बताऊँगी कि मैंने आज और क्या काम किए थे। थोड़ा बहुत ही शूट कर पाया था, थोड़ा बहुत ही क्लिप लिया था, क्योंकि आजकल मैं थोड़ा सा बिज़ी रहती हूँ ना, इसलिए लाइव करती हूँ, लाइव में भी जाती हूँ, तो ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाती, ज़्यादा क्लिप नहीं कर पाती। जब भी फ्री टाइम होता है ना तो क्लिप बना के रख लेती हूँ। तो आज मैंने वही किया और वही मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो चाय नाश्ता करने के बाद में मैंने सोचा कि नहाने से पहले मिर्च को पीस लिया जाए। ये मिर्च मुझे ना बारीक पाउडर बनाना है, और ये मैंने धूप में बहुत अच्छे तरीके से सुखा ली है। ये टूट रही है बहुत अच्छे से, और मैंने एक बार इस पीस भी लिया है, मैं बताती हूँ आपको। थोड़ा सा मैंने इसका पाउडर भी बना लिया है, घर के मसाले की बात ही कुछ और होती है। तो थोड़ा सा मोटा पिसेगा, लेकिन हाँ ये रहेगा बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं होता है, अच्छे से हो जाता है। मैं यही वाला यूज़ करती हूँ पाउडर। और जब मैं ये पीस रही थी ना, ये मिर्च इतनी तेज़ थी, इतनी लग रही थी आँखों में, इतनी लग रही थी कि आँखें मेरी खुल नहीं रही थी। तो मैंने एक तरीका निकाला कि मैं क्या करूँ, तो मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि मैंने किस तरीके से अपनी आँखों को बचाया इन मिर्च से। तो ये तरीका मैंने निकाला मिर्ची पीसने का, क्योंकि वो मिर्च आँखों में जलन दे रही थी। मैंने चश्मा लगा लिया, और उसके बाद मैंने अपना मतलब फेस पूरा कवर कर लिया नाक में, जिससे कि धांस ना जा पाए उसकी। मिर्ची लगती है ना तो बहुत छींकें भी आ रही होती हैं, तो बस मैंने यही किया। और मेरा ये जो काम है, बर्तन मैंने साफ़ किए हैं, यहाँ मैं मिर्च पीस रही हूँ। जब सारा कुछ हो जाएगा फिर मैं सब कुछ जमाऊँगी किचन में। और ये तरीका अगर आप अपना चाहें तो अपनाना सकते हैं, अगर आप अपनाना चाहें तो। सारे काम से फ्री होने के बाद में हम शाम को थोड़ा सा घूमने के लिए निकल गए थे। तो घर से थोड़े ही दूर पे ना एक नदी है, हिंडन नदी करके है, तो वहाँ पे हम लोग चले गए थे। और वहाँ पर ना मंकी बहुत हैं, बंदर इतने सारे हैं ना, तो वहाँ पे क्या करते हैं कि लोग उनको खाना खिलाने के लिए जाते हैं, जैसे कि फल वगैरह लेके जाते हैं, फल सब्जी या जो भी जिसकी इच्छा होती है, चना गुड़ जो भी जिसको खिलाना होता है, तो वो खिलाने के लिए जाते हैं शाम को। तो वहाँ पे ना बहुत सारे बंदर हैं, बहुत सारे, तो वही खेल रहे थे यहाँ पे। और यहाँ पर हमने वीडियो बना लिया, और थोड़े से दूर से वीडियो लिया है, क्योंकि आप लोग समझ सकते हो ना कि बंदरों के पास एकदम से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो आज मैं ब्लॉग में बस इतना ही शूट कर पाई, क्योंकि मैं बहुत बिज़ी रहती हूँ लाइव करने के चक्कर में। मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से जल्दी मेरा टाइम कंप्लीट हो जाए और आगे बढ़े मेरा चैनल। क्या करूँ, कर ही नहीं पाती हूँ। तो जितना भी मेरे से हो पाया उतना मैंने शूट किया और आप लोगों के साथ में शेयर किया। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा ब्लॉग। तो अपना प्यार बनाए रखिएगा और मुझे भूलिएगा मत, मुझे भी आप सबके हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, और मैं आपसे मिलूँगी अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।